ये एक लाइफ सेविंग किट हो सकता है अगर आप राइडर है तो, और ऐसा कोई टैलेंट पे है जहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत ही लो कॉस्ट में आसानी से पंचर रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 3rd August 2023, टाइम है 9:00 AM इन द मॉर्निंग। मैं हूं साहब और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मोनर पुतुल। दोस्तों, आज के कंटेंट होने वाला है प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, ऑनेस्ट रिव्यू एंड नॉन प्रमोशनल वीडियो। जी हां दोस्तों, मैंने एक ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर किट मंगवाया है। तो ये प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, कहां से मैंने मंगाया है, कितने प्राइस में मैंने खरीदा, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रोडक्ट कुरियर से आया है और कहीं पे कुछ टेम्पर हुआ नहीं है, साइड वाइज भी सही है, इस साइड में भी सब कुछ सही है, इस साइड में भी सब कुछ सही है, इधर में भी सब कुछ सही है और इधर में भी सब कुछ बढ़िया से आया है। तो यहाँ पे कोड लिखा है 007, तो ये तो जेम्स बॉन्ड का कोड है, कहीं गलती से मुझे ना भेज दिया हो। एनीवेज ये मजाक था, तो चलिए जल्दी से इसका सील तोड़ते हैं। यह है प्रोडक्ट और कुछ है नहीं, देख सकते हैं प्रोडक्ट कितना बढ़िया से प्लास्टिक रैप में आया है, पानी वानी नहीं जाएगा अंदर। और यहाँ पे ब्रांड का लोगो है और इसका ब्रांड है KVA। और साइड वाइज तो सब कुछ सही है, कहीं पे कोई टेम्पर है नहीं, पीछे साइड में कुछ है नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्लास्टिक को अनरैप करता देखते हैं अंदर में प्रोडक्ट कैसा है। तो बैग का मटेरियल तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब सिंथेटिक और कॉटन मिक्स है और लोगो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, KVA ब्रांड। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर का ये बैग लुक्स बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे एक हैंडल भी है, अब ऐसे पकड़ के कैरी कर सकते हैं और सुविधा होगा किट को कैरी करने में बैग में जब आप लॉन्ग राइड पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो जिप चेन है क्वालिटी बढ़िया ही है, जल्दी इसको खोल के प्रोडक्ट निकलता है। वाओ, बहुत ही बढ़िया पैकिंग से आया है, देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। ये भी सील में है, इसको खोल कर देखना पड़ेगा। वाओ, बहुत ही बढ़िया पैकिंग से आया है और यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया से दिया है। तो इस पेपर को बढ़िया से रखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टेपल्स हैं, सारे को खोलना पड़ेगा इससे। यहाँ पर लोगो है KVA वैकम टायर स्ट्रिप इंसर्ट टूल सेट और यहाँ पर लोगोस वगैरह सब कुछ है। और इधर तो मैं दिखाई दिया आपको, सारे इंस्ट्रक्शंस है, देख सकते हैं इसको रख देंगे बढ़िया से, इसको देख के कर सकते हैं हम। तो ये वाला जो किट है ये 6-in-1 किट है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले आपको अपना पंक्चर को मार्क करना है, उसके बाद ये वाला जो टूल है देख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लस, तो इससे आपको जो पंक्चर रहता है कील रहता है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा एकदम स्टील मटेरियल का बना है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है और यहाँ पे प्लास्टिक कोटिंग भी दिया हुआ है। तो इससे आपको पकड़ के और उसको कील को निकालना है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी है। उसके बाद आपको ये वाला टूल लेना पड़ेगा जो ये टी शेप का हैंडल आता है, ये प्लास्टिक और रबर ही फिनिश है, लेकिन ये प्लास्टिक का ही है, रबर नहीं है। और ये जो है स्टील स्पाइरल वेब्स बोलते हैं इसको, इस टूल से आपको जो होल है पंक्चर का उसको बड़ा करना होगा और जो अलाइनमेंट होगा, जिस अलाइनमेंट में पंक्चर था, मतलब अगर 30 डिग्री एंगल पे या फिर 90 डिग्री एंगल पे, तो उसी एंगल पे होल को बड़ा करना है। और काफ़ी अच्छा बिल क्वालिटी है, वेट भी है, तो बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलेगा। तो इसको ऐसा पकड़ के होल को बड़ा करना है। उसके बाद आपको ये जो 10 रबर स्टिक्स मिलते हैं, मतलब कि रबर के जो काटिज है, काटी स्ट्रिप, तो इसको यूज़ करना होगा। तो देख सकते ये 10 नंबर पर है और पीछे कुछ ऐसा है 111 इसमें लिखा है, इसमें लिखा है AABU+ ऐसा कुछ। तो ये एकदम बैंडेड जैसा देखिए पैकिंग में आता है।
और यहाँ पे आपको ऐसा करके ये स्टिकी जो रबर के स्ट्रिप्स है, मतलब कि स्टिक्स, इसको निकालना पड़ेगा। और ये एकदम स्टिकी होता है, ऑरेंज कलर में आया, देख सकते हैं, तो इसको निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ये टी शेप हैंडल में जो ये नीडल आता है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एकदम स्टील का बना है, काफ़ी अच्छा वेट है, और वही सेम प्लास्टिक का फिनिश है, देख सकते हैं, मतलब रबर ही फिनिश है, लेकिन रबर नहीं है, प्लास्टिक है। इसमें भी अच्छा खासा ग्रिप मिलेगा आपको। तो इसमें आपको ये जो रबर के जो स्टिक्स हैं, इसको आपको इसके अंदर फंसाना पड़ेगा। और अगर ये ड्राई हो जाता है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्यूब मिल जाता है, देख सकते हैं। तो ये जो है, ये है साइकिल ट्यूब सॉल्यूशन, देख सकते हैं, सुप्रीम डायमंड ट्रेडमार्क है। और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, टू एक्सट्रैक्ट रिमूव कैप एंड पियर्स नोजल, ओनली द फाइनेस्ट फिल्म ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका एक मतलब पॉइंटेड नीडल शेप है, इसको डाल के इसको आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, देख सकते हैं, ये सील है। तो अभी मैं इसको खोलूँगा नहीं, बाद में। तो ये सॉल्यूशन का काम है कि ये जो रबर स्ट्रिप्स है, ये एक लेना पड़ता है, उसके ऊपर ही सॉल्यूशन डालना पड़ता है, ताकि मतलब अच्छा से जुड़ जाए, और ये मतलब चिपचिपा भाव अच्छा से रहे, बढ़िया से जुड़े अंदर से। तो ये डालना पड़ता है इसमें। उसके बाद दोस्तों, ये जो नीडल है टी शेप का, और ये जो रबर स्ट्रिप ग्लू देने के बाद, यहाँ पे फंसाने के बाद, जो पंक्चर का होल है बड़ा किए हैं इस टूल को यूज़ करके, तो उसमें आपको ये जो रबर स्टिक है उसको डालना पड़ेगा, अंदर डाल के फिर निकाल लेना पड़ेगा, बस काम ख़त्म। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक नाइफ मिल जाता है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का नाइफ है। इसको निकालते हैं, और यहाँ पे कुछ पोलो ब्रांड का है, ये देख सकते हैं, और इधर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, तो निकालते हैं। तो एयर प्रेशर वगैरह डाल के चेक करने के बाद, जो एक्स्ट्रा रबर का स्टिक बाहर रहता है, तो उसको काटने के लिए भी ये पोलो कंपनी का नाइफ दिया हुआ है। यहाँ पे आप पॉकेट में रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का शार्प नाइफ रख सकते हैं। ये भी स्टील का बना है पूरा, तो इससे आपको काट देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा बाहर रहेगा ज़्यादा, एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है प्रोडक्ट्स। KBA प्लस 007 प्रीमियम ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर किट मैंने flipkart.com से खरीदा था। ये फ्लिपकार्ट एश्योर था, इसका रेटिंग्स अच्छे थे, और इसका जो प्राइस था ₹999, लेकिन आप ऑल डिस्काउंट एंड कैशबैक जो फाइनल प्राइस मुझे पड़ा ₹223। ये है फुल ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर किट, और ये जो किट है, ये एक लाइफ सेविंग किट हो सकता है, अगर आप राइडर है तो, और ऐसा कोई टैलेंट पे है जहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आपका लाइफ भी सेव कर सकता है, तो बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, फ्यूचर वीडियोस में आपको देखेंगे कैसे आप इस ट्यूबलेस टायर पंचर रिपेयर किट को यूज करके खुद से घर में बहुत ही लो कॉस्ट में आसानी से पंचर रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिए, और ऑल बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पब्लिश करूँ। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, किसी तरह से आप एंटरटेन हुए हैं, तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, अपने सर्कल में शेयर, ताकि दूसरों को पता चले। और अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं कि अच्छा लगा, क्या बोला, कोई भी सजेशन है, क्वेश्चन है, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी बाय बाय, बी हैप्पी।